सभी को जय भीम, जय भारत, जय संविधान और अस्सलाम वालेकुम। आज पांचवा दिन है, हालांकि यहाँ सबके चेहरे से लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा वजन कम हो गया सबका, लेकिन हौसले सबके बुलंद हैं। हौसले बावजूद इसके बुलंद हैं कि चार दिन के बाद आज हमारे लोग गए थे प्रॉक्टर साहिबा के पास, प्रॉक्टर साहिबा से बात करने। भाई इतनी धूप में बैठे हैं ये लोग, थोड़ा सा तिरपाल लगा लें ऊपर। मेरे ख्याल से तो उन्हें जाना नहीं चाहिए था, वहाँ लगा लेनी चाहिए थी, लेकिन हमारे लोग तो हर चीज़ कानून, संविधान, सिस्टम के हिसाब से करते हैं ना। कोई भी काम ऐसा करते ही नहीं जो एक इंच भी कानून और संविधान के उधर उधर हो। हालांकि इसमें कोई कानून टूट नहीं रहा था, अगर वो तिरपाल यहाँ बांध लेंगे, लेकिन देखिए हर जगह से मनुवादी मानसिकता आरएसएस और बीजेपी की फूट फूट के निकलती है। हमारे पड़ोस में एक आंदोलन चल रहा था, उसमें बाकायदा तिरपाल नहीं सिर्फ जो पेड़ पे बांधी जाएगी, पूरा टेंट लगा हुआ था। तो इन लोगों ने भी कोशिश की, यही जातिवादी मानसिकता तो है जिसके खिलाफ लड़ाई हो रही है। तो क्या बोला कि तुम लोगों के लिए ये अलाउड नहीं है, पर हमारा नुकसान ये हमारे बेचारे पड़ोसियों को भी हो गया, जो इतने दिन से उनका टेंट लगा था वो भी उखाड़ दिया, सिर्फ इसलिए कि डॉक्टर इतु के साथ जो लोग यहाँ बैठे हैं वो धूप में बैठे, परेशान हो, बीमार हो, वो थक जाएं, लेकिन उन्हें शायद पता नहीं कि हम लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समर्थक हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, अंबेडकराइट हैं, अंबेडकरवादी हैं। तो भैया या बहन डॉक्टर साहिबा, उनका टेंट तो लगवा दो, हम लोग तो धूप में भी जी लेंगे, उनका तो लगवा दो। मतलब जातिवादी मानसिकता एक्सपोज ना हो जाए, बेचारे हमारे पड़ोसियों का भी खड़वा दिया, मगर ये आपने अपराध कर दिया, ये SC ST एक्ट के तहत अपराध है। और मैं ये कहना चाहता हूं, हर एक जो भी किसी पद पे सरकारी अफसर बैठे हैं ना, मैं बार बार कहता हूं उनसे और आज फिर कह रहा हूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के सभी ऊंचे पदों पे बैठे वाइस चांसलर साहब, प्रॉक्टर साहब, रजिस्टर साहब, रजिस्ट्रार साहब तो खैर इसमें मुलजिम ही है इंतु के केस में, सारे प्रिंसिपल, सारे जितने भी कॉलेजेस हैं उनके चेयरमैन, उनकी मैनेजमेंट कमेटी, सब के सब ध्यान से SC ST एक्ट सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम पढ़ा करें, उनकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। ये मुफ्त में सलाह दे रहा हूं मैं। देखो मेरा अंबेडकरवादी होने की वजह से हृदय कितना विशाल है, मैं आने वाले खतरों से, उन सभी अंबेडकर जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं जो बड़े बड़े ओहदों पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, उनके प्रति मेरा कितना चिंता है। मैं उन्हें सलाह दे रहा हूं कि SC ST एक्ट ध्यान से सुबह शाम और दोपहर पढ़ा करें, वो भारत के संविधान के तहत भारत की पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया है, वो लॉ ऑफ द लैंड है, उसकी उल्लंघना करने का अंजाम क्या होगा टल जरूर सकता है। लेकिन डॉक्टर सविता राय, लेकिन अपनी पूरी ताकत लगा रखी है ना पूरी RSS और बीजेपी की लॉबी ने, दो दो IO चेंज कराने पड़े, दो IO एक कोर्ट से ऑर्डरों से IO चेंज हुआ है, चार्जशीट फिर भी फाइल करनी पड़ी ना, जिसमें सालों साल तक प्रिंसिपल को, रजिस्ट्रार को, चेयरमैन दौलतराम कॉलेज को, जो उनके साथ दूसरी जो लेक्चरर्स हैं जिन्होंने साजिश की थी डॉक्टर रितु के साथ, सबको तिहाड़ जेल का रास्ता नजर आ रहा ना साफ। कितनी कोशिश कर लो, कितना मैनिपुलेशन कर लो, कितना डिले करा लो, कितने पुलिस के भ्रष्ट अधिकारी के साथ मिलकर कितनी कर लो काम, लेकिन तिहाड़ जाना ही पड़ेगा और सालों साल तक जाना पड़ेगा।
एक रास्ता है बचने का भी। देखो मैं डॉक्टर रितु के केस में भी बचने का रास्ता बता रहा हूँ जो लोग इसमें मुलजिम है। एक होता है वादा माफ गवाह, उसको भी पढ़ो, सीआरपीसी में लिखा 306 धारा है। अगर सच बोलने लगोगे, ये सारे मुलजिमों जिनके मैंने नाम लिए रजिस्ट्रार साहब, प्रिंसिपल साहब तो मुख्य अपराधी हैं, लेकिन जो उनके साथ लोग हैं अगर वो ऐसा रास्ता इख्तियार करें कि ये बताएं कि हाँ हम इस केस में इन्वेस्टिगेशन की सच ढूंढने में मदद करेंगे, हम भी मुलजिम हैं, तो उनको माफ़ी मिल जाती है। तो ये जो लेक्चरर्स हैं ना सारी, इनके नाम चार्जशीट में आ रहे हैं, और रजिस्ट्रार साहब हैं, और दूसरे यूनिवर्सिटी के अधिकारी हैं जिन्होंने झूठे झूठे रिपोर्ट्स बना के एससी कमीशन में भेजे थे, जिन्होंने झूठी रिपोर्ट बना के पार्लियामेंट्री कमेटी एससी एसटी पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजी थी, उनके पास अभी भी मौका है। तो ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात ये है कि जितने भी अधिकारी हैं, प्रिंसिपल हैं, मैंने अभी बताया उनकी लिस्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वो सबके सब एससी एसटी एक्ट पढ़ा करें और उसकी खिलाफत करके कोई काम ना करें, किसी भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के व्यक्ति के साथ, चाहे वो स्टूडेंट हो, सफाई कर्मचारी हो, दूसरा कर्मचारी हो, या लेक्चरर हो, टीचिंग स्टाफ का हो, लेबोरेटरी स्टाफ का हो, चौकीदार हो, अगर वो एससी एसटी कम्युनिटी से आता है तो विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि भारत का सुप्रीम कोर्ट, भारत की पार्लियामेंट ये चाहती है कि उनके साथ बराबरी का दर्जा दिया जाए, उनके साथ कोई अन्याय ना हो। अगर करोगे तो तिहाड़ जेल के रास्ते इतने लंबे हैं बाहर निकलने के, अंदर जाने का बहुत छोटा है। अंदर जाओगे, बाहर निकलने में सालों साल लग जाएंगे, सारा जो ये मानसिकता आपके दिमाग में भरी हुई है ना, सब निकल जाएगी। मैं आपको मुफ्त में सलाह दे रहा हूँ, क्योंकि अब समाज जाग चुका है। डॉक्टर रितु का केस अकेला केस नहीं है, इसके बाद अभी दर्जनों सैकड़ों केस होने हैं, हमारे पास कंप्लेंट्स आ रही हैं, कुछ ही समय जा रहा है, अभी भी सुधर जाओ, अभी भी संविधान के रास्ते पे काम करने लगो, अभी भी इंसाफ बराबरी के रास्ते पे काम करने लगो, अभी भी एससी एसटी एक्ट की उल्लंघना मत करो। ये हो गई एक बात। दूसरी बात, अब ये डॉक्टर रितु और उनके साथियों के ऊपर है, ये टेंट ना लगाने देने की एफआईआर कराना चाहते हैं या नहीं कराना चाहते, ये इनके ऊपर है, मैं इनके विवेक पे छोड़ता हूं। दूसरी बात ये है कि जो डॉक्टर रितु को धमकियां दी जा रही हैं, धमकियां जो दी जा रही हैं उसकी भी खबर हमारे विश्वसनीय सूत्रों ने हमें दे दी है। तो एसएचओ साहब की जिम्मेदारी है, क्योंकि एसएचओ साहब को ये ओरली कंप्लेंट डॉक्टर रितु दे चुकी हैं, धारा 4 है एससी एसटी एक्ट की, वो मैं नम्र निवेदन करूंगा डीसीपी साहब से भी और एसएचओ साहब से भी, पढ़ लें जरा एक बार फिर पढ़ लें, ये जो ओरल कंप्लेंट है उसकी अब 24 घंटे से ज्यादा गुजर गए, उसको अभी तक वो एफआईआर में कन्वर्ट नहीं हुई है, धारा 4 एक्टिव हो चुकी है। तो मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप लोग भारत के संविधान के हिसाब से जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं वो संविधान और कानून के हिसाब से काम करने के लिए बाध्य होते हैं, जैसे ही संविधान और कानून के रास्ते से हटते हैं वो एक आम अपराधी बन जाते हैं। तो आप कृपया एससी एसटी एक्ट का उल्लंघन ना करें, उसकी एफआईआर दर्ज करके डॉक्टर रितु की सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम करें, ऐसा मैं करबद्ध निवेदन कर रहा हूं आज। दूसरी बात यह है जो बतानी महत्वपूर्ण है, हम लोगों ने, क्योंकि देखिए G20 चल रहा है, G20 भारत देश की जनता होस्ट है उसकी, हम सब जो नागरिक हैं वो होस्ट हैं उनके, प्रधानमंत्री हमारे क्योंकि जनता के नौकर हैं और एक उनको 5 साल के लिए नौकरी दी गई है उस हैसियत से, और हमारे दूसरे जो मंत्री हैं हमारे नौकरों की हैसियत से, वो हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं, यानी कि हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। भारत देश की बाय रोटेशन G20 की अध्यक्षता जो आई है उसको सजा के रखना, उसको संवार के रखना, अपने मेहमानों की खिदमत ठीक से करना, ये जिम्मेदारी हमारी है। इसीलिए हमने यहाँ ये जो प्रदर्शन है इसकी संख्या बहुत कम रखी है। जैसे ही G20 खत्म होगा ये प्रदर्शन बहुत बड़ा होगा, और सिर्फ यहाँ ही नहीं होगा, दूसरी जगहों पे भी होगा। G20 तक हम लोग खुद ख्याल रख रहे हैं। दूसरी एक आध बात जरूरी है,
समझने की कि G20 तक पोस्टपोन भी हो सकता है। रास्ता है 12 तारीख से तो फिर लगेगा ही लगेगा, प्रिंसिपल को टर्मिनेट कर दें। भाई कह रहे हैं ना, ये मैसेज भिजवाए जा रहे हैं कि तुम लोग जो है G20 का ख्याल करो, हमें इमोशनली ब्लैकमेल किया जा रहा है कि भारत ये नहीं कि ताकत से हटा लेंगे, हम तो कह रहे हैं अरेस्ट करके जेल डाल दो, वो नहीं, तो हमें इमोशनली ब्लैकमेल किया जा रहा है कि देश का नाम खराब हो जाएगा। भाई साहब एक बात बताओ, देश का नाम तो इससे वैसे भी खराब नहीं होगा, क्योंकि प्रदर्शन करना किसी भी डेमोक्रेसी का जो हिस्सा होता है उससे ये लगता है कि भारत की डेमोक्रेसी जो है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा निर्मित संविधान की डेमोक्रेसी जो है अलाइव एंड किकिंग है, इसलिए इसमें प्रदर्शन हो रहे हैं। एक तो हम ये अपना फर्ज निभा रहे हैं, मोदी जी जो हमारे देश का नाम बदनाम करने के लिए ये धारा 144 पूरी दिल्ली में लगा दी, और जो है पूरी तरीके से एक लॉकडाउन की स्थिति बनाने की जो बात कर रहे हैं, इससे भारत देश का नाम खराब होता है। क्या G20 में लॉकडाउन लगाना चाहिए? क्या देश जो नागरिक है उनको घरों में बंद करना चाहिए? मतलब किस तरीके से देश का ये लोग या तो समझदार नहीं है या इनकी मानसिकता ही देश विरोधी है, इसलिए ये देश की छवि खराब कराने के लिए जो लॉकडाउन लगाया जा रहा है ना, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इससे देश की छवि खराब होगी और वो छवि सही करने में हम लोगों का थोड़ा योगदान रहेगा कि देखिए भारत की डेमोक्रेसी इतनी मजबूत है कि यहाँ पे प्रदर्शन, पीसफुल प्रोटेस्ट दिन रात रोज होते हैं। लोग अपनी आवाज, जो बड़े बड़े संस्थान हैं, जो यहाँ के बड़े बड़े ओहदे पे बैठे लोग हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाने के लिए कितने स्वतंत्र हैं, कितनी मजबूती से अपनी आवाज उठाने की यहाँ पर आजादी है, कितनी है नहीं है वो तो हम सब जानते हैं, लेकिन हम देश की छवि विदेशियों के सामने खराब नहीं होने देंगे, इसलिए ये प्रदर्शन करना G20 के लिए बहुत आवश्यक है। और मोदी जी से और अमित शाह जी से मैं अपनी पर्सनल सलाह मुफ्त में दे रहा हूँ कि ये भारत की छवि खराब हो रही है इससे कि लॉकडाउन जैसी स्थिति क्रिएट कर रहे हैं। भारत देश की जनता जो है और दिल्ली की जनता इतनी समझदार है कि जो हमारे मेहमान आए हैं उनके लिए अपने आप सड़के, भले ही हम कितनी भी भीड़ भाड़ में से जिंदगी गुजार रहे हो अपनी, लेकिन हम सड़कें स्वयं उन लोगों के लिए, मेहमानों के लिए आधे रोड खाली करके रखेंगे, इतनी समझदार देश और दिल्ली की जनता है। तो आप ये ऐसी स्थिति पैदा ना करें कि देश की जनता को जबरन घरों में बंद करके G20 कराया जा सकता है यहाँ पे, उसके बगैर नहीं होगा, ऐसा एक मैसेज आप दे रहे हैं जिससे भारत की छवि खराब हो रही है। मेहरबानी करके इसको दुरुस्त करें। दिल्ली की जनता और देश की जनता इतनी समझदार है कि अपने मेहमानों के लिए जगह साफ करके छोड़ेगी, आधी आधी सड़कें एकदम फ्री रखेंगे हम लोग, और पूरी तरीके से डिसिप्लिन रखेंगे कि हमारे मेहमानों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। लेकिन वो मेहमान हमसे मिलने आ रहे हैं, देश की जनता से, अगर देश की जनता को ही घरों में बंद कर दिया जाएगा तो वो देखने क्या आ रहे हैं? ये पेड़ पौधे देखने थोड़ी आ रहे हैं, पेड़ पौधे तो वो वहां भी खरीद के अपने देशों में देख सकते हैं। भारत देश की जनता भारत से मिलने आ रहे हैं, वो भारत देश हम हैं, भारत देश की जनता हम हैं, तो हमारे बीच में और हमारे मेहमानों के बीच में मोदी जी, RSS और BJP के जो लोग हैं वो मेहरबानी करके दीवार ना बनाए, ऐसा हमारा निवेदन है। जय भीम जय भारत, ये आंदोलन चलेगा, कोई इसको रोक नहीं सकता, क्योंकि ये संविधानिक हमारा आंदोलन है और ये चलेगा। जय भीम जय संविधान जय भारत।